आज जो टॉपिक है उसका नाम है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यानी कि इकाइयों का बैन अक्वामी निज़ाम। इन 1916 एन इंटरनेशनल कमेटी एग्रीड ऑन सेट ऑफ डेफिनेशन एंड स्टैंडर्ड टू डिस्क्राइब द फिजिकल क्वांटिटी। 1960 में एक बैन अक्वामी कमेटी से बात पर मुतफिक हुई कि एक तरीफों का एक सेट बनाया जाए, यानी कि सेट ऑफ डेफिनेशन एंड स्टैंडर्ड एक मयार मुकर्रर किया जाए जो तिब्बी मकदारों को बयान कर सके। द सिस्टम वो निज़ाम दैट वाज एस्टेब्लिश जो बनाया गया था इज कॉल्ड द सिस्टम इंटरनेशनल, उसे सिस्टम इंटरनेशनल एस आई निज़ाम कहते हैं, यानी बैन अक्वामी निज़ाम कहते हैं। ड्यू टू सिंप्लिसिटी, इसकी सादगी और कन्वीनियंस और आसानी के लिए, विद विच जिसके साथ द यूनिट इन दिस सिस्टम आर जो जो यूनिट थी इन निज़ाम में आर एमिएबल, जो तैयार हैं टू अर्थमेटिकल मैनिपुलेशन, जो रियाजी के जोड़ तोड़ के लिए, वो यानी कि ऐसे यूनिट तैयार किए जा सकें जो आसानी से हों और जो रियाजी में जो अदाद हैं उसके जरिए जोड़ तोड़ हो सके। ये केस का मतलब है इट इज इन यूनिवर्सल यूज, ये यानी कि बैन अक्वामी इस्तेमाल में है, किन के जो जिसकी वजह से जिनके इस्तेमाल में हुए हैं, वर्ल्ड साइंटिफिक कम्युनिटी यानी कि साइंटिफिक कम्युनिटी एंड बाय द मोस्ट नेशन, और दुनिया के बहुत से अकवाम के इस्तेमाल में ये यूनिट्स हैं, ये यानी कि ये नेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट इस्तेमाल में है। द सिस्टम इंटरनेशनल, द सिस्टम इंटरनेशनल इज बिल्ट अप, ये बनाया गया है फ्रॉम थ्री काइंड ऑफ, तीन किस्म की इकाइयों से बनाया गया है। जो पहली है बेस यूनिट, यानी बुनियादी यूनिट, सिंपली सप्लीमेंट्री यूनिट, दूसरा यूनिट एंड ड्राइव्ड यूनिट और अखज इकाइयां, ये तीन किस्म के हैं। आगे बेस यूनिट, बेस यूनिट क्या होता है, बुनियादी इकाइयां, देर आर सेवन बेस यूनिट, सात बुनियादी इकाइयां फॉर वेरियस फिजिकल क्वांटिटी, मुख्तलिफ तिब्बी मकदारों के लिए, नेमली जिनके नाम लेंथ, लंबाई, मास, कमियत, टाइम, वक्त, टेम्परेचर, हरारत, इलेक्ट्रिक करंट यानी बिजली, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी यानी चमक की शिद्दत, और अमाउंट ऑफ सबस्टांस और अनासर की मकदार, विद स्पेशल रिफरेंस टू द नंबर ऑफ पार्टिकल, यानी कि खासकर इसका खास हवाला जो है ज़रात की, यानी कितनी तादाद है ज़रात की। द नेम ऑफ बेसिक यूनिट फॉर फिजिकल क्वांटिटीज टूगेदर विद सिंबल आर लिस्टेड इन टेबल 1-1, जो बेसिक यानी बुनियादी इकाइयाँ हैं वो टेबल 1-1 में दिए गए हैं। देयर स्टैंडर्ड डेफिनेशन आर गिवन इन अपेंडिक्स 1, और उनकी जो तरीफें हैं, मियारी तरीफें हैं, वो जदूर 1 में दी गई है। ये टेबल 1 है और फिजिकल क्वांटिटी लेंथ है, इसकी एसआई यूनिट है मीटर, और इसका जो सिंबल है निशान है एम है, इसके एम से जाहिर किया। दूसरा मास है, उसको किलोग्राम में एसआई यूनिट, उसको सिंबल केजी से जाहिर करते हैं। तीसरी ये टाइम है, उसे सेकंड उसका यूनिट है और उसे ऐसे जाहिर करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट है, उस एम्पियर में जाहिर करते हैं, ए उसका सिंबल है। थर्मोडायनामिक टेम्परेचर को केल्विन में जाहिर करते हैं, के से जाहिर करते हैं। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, रोशनी की शिद्दत को कैंडेला से जाहिर कर, ऐसा यूनिट उसका कैंडेला है, उसे सी डी से जाहिर करते हैं। अगर अमाउंट ऑफ सब्सटान, उसको मोल से जाहिर, यानी कि उसकी ऐसा यूनिट मोल है, उसे एम ओ एल से जाहिर करते हैं। आगे सप्लीमेंट्री यूनिट, द जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर हैज नॉट येट क्लासिफाइड सर्टेन यूनिट ऑफ द एस आई अंडर देयर बेस यूनिट और ड्राइव यूनिट। जो जनरल कॉन्फ्रेंस होगी हुई थी जो वजन और पैमाश पर, एज नॉट येट, अभी तक उसने
उनकी तकसीम नहीं किया था कुछ यूनिट को कि वो ऐसा यूनिट है, यानी कि वो बेस यूनिट है या वो ड्राइव यूनिट है। तो वो ना बेस यूनिट है ना ड्राइव यूनिट, तो उन यूनिट को दिस एस आई यूनिट और का सप्लीमेंट्री यूनिट, तो उन्हें उन यूनिट को सप्लीमेंट्री यूनिट का नाम दिया। फॉर द टाइम बी वक्त के साथ दिस क्लास, यानी ये जो क्लास सप्लीमेंट्री यूनिट कंटेन ओनली टू यूनिट्स ऑफ प्योरली ज्योमेट्रिकल क्वांटिटी, इसमें जस्ट दो यूनिट हैं जो खालस ज्योमेट्रिकल मिकदारे हैं, विच आर प्लेन एंगल, यानी कि एक प्लेन एंगल है और दूसरा सॉलिड एंगल है। प्लेन यानी कि एक मैदान पर एंगल, एक सॉलिड यानी कि ठोस एंगल है। अब वो कौन से हैं, वो टेबल एक खेरे दो में दिए। क्यों, पहले फिजिकल क्वांटिटी है यानी प्लेन एंगल है, उसके एस आई यूनिट है रेडियन, और उसे सिंबल आर ए डी से जाहिर करते हैं। दूसरी है सॉलिड एंगल, उसे स्टेर रेडियन से जाहिर, एस आई यूनिट है उसे एस आर से जाहिर करते हैं। अब रेडियन क्या होता है, एक एंगल है। द रेडियन इज अ प्लेन एंगल, रेडियन एक प्लेन एंगल है बिटवीन टू रेडियाई, दो रेडियाई के दरमियान, ये दो रेडियस जमा रेडियाई है ऑफ ए सर्कल, एक दायरे है, इसके दो ये रेडियस हैं, ये लिए ये उनके दरमियान ये जो है ये एक रेडियन है। विच कट ऑन द सर्कमस्टेंस, ये जो मोहित है सर्कमस्टेंस है, इसमें ये दो कट लगे हुए हैं, यानी एक आर्क बनी हुई यहाँ से लेकर, इसे आर्क बोलते हैं। इक्वली लेंथ ऑफ द रेडियस, इसकी जो लेंथ है ये रेडियस के बराबर है, ये जो लेंथ है और ये यहाँ से जो लेंथ है ये बराबर है। शोज इन द फिगर, ये इसे एक रेडियस बोलते हैं। अब एक स्टे रेडियन है, स्टे रेडियन सॉलिड एंगल, एक सॉलिड एंगल थ्री डायमेंशन, ये तीन सीमित वाला, ऊपर नीचे दाएं बाएं। सब्सटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, जो के जाता है सेंटर ऑफ स्फीयर, स्फीयर या स्फीयर कोई भी गोल जिसे गेंद होती है वहां तक जाता है, बाय एन एरिया ऑफ इट्स सरफेस, और जो उसकी सरफेस का एरिया है, जो इसका एंगल है, इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ स्फीयर, स्फीयर उसका जो स्फीयर है उसके रेडियस के बराबर है, यानी कि जो सेंटर उसकी जो सतह है उससे सेंटर तक जो यहाँ है ये फासला है, ये इसका रेडियस है, और इसको स्क्वायर से इसका स्क्वायर करें तो इसका जो स्क्वायर करेंगे तो उसके ऊपर जो आएगा वो उसका रेडियस होगा, ये उसका है, ये स्टे रेडियन है, ये वाली जो है ये फासला, ये यहां से ले तक, यहां तक ये रेडियन है, यानी रेडियस है सेंटर से ले ले यहां तक, और फिर उसको इस तरह गोलदायरे में उसने लगा दिया, जितना उसमें से फासला वो एरिया आ रहा है उसको रेडियस का स्केयर करके। अगर ड्राइव यूनिट क्या होते हैं, ऐसा यूनिट आर मेजरिंग ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटी, ऐसे यूनिट जो तमाम दूसरी तिबी मिकदारों को मेजर करें, आर ड्राइव फ्रॉम द बेस एंड सप्लीमेंट्री यूनिट, जो असल किए जाते हैं बुनियादी और सप्लीमेंट्री यूनिट से। सम ऑफ द ड्राइव यूनिट्स आर गिवन इन टेबल थ्री, कुछ ड्राइव यूनिट टेबल एक शर तीन में दिए गए हैं। ये फिजिकल क्वांटिटी के फोर्स है, उसके यूनिट है न्यूटन, सिंबल इसका न्यूटन है, लेकिन टर्म ऑफ बेस यूनिट किलो ग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वेयर, ये उसकी टर्म ऑफ बेस यूनिट में ही लिखे गए हैं। वर्क की यूनिट जोल से जे से करते हैं, और न्यूटन मीटर है लेकिन किलोग्राम मीटर स्क्वेयर पर सेकंड स्क्वेयर। पावर की यूनिट वाट है, इसे डब्ल्यू से दायर करते हैं, जोल पर सेकंड, लेकिन किलोग्राम मीटर स्क्वेयर पर सेकंड क्यूब। प्रेशर को पास्कल यानी पीए से सिंबल है इसका, न्यूटन मीटर स्क्वेयर, न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर, किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वेयर। इलेक्ट्रिक चार्ज कूलों में उसको सिंबल सी है, इन टर्म और बेस ए एस है। अब साइंसिफिक नोटेशन क्या होती है,
द नंबर एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म और कॉल साइंटिफिक न्यूट्रिशन। जो भी नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म या मियारी छप्पल में बयान किए जाते हैं उसे साइंटिफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। विच इम्प्लाई पावर टर्म, जो 10 की पावर में लिखे जाते हैं, जिसमें 10 की पावर 10 की ताकत लगाई जाती है। इंटरनेशनली बैन अकवामी तो एक्सेप्टेड प्रैक्टिस इज दैट, जो बैन अकवामी तौर पर जो एक रूल एक्सेप्ट किया गया है इज दैट कि देयर शुड बी ओनली वन नॉन जीरो डिजिट लेफ्ट ऑफ द डेसिमल, जो इशारिया है उसके दाएं तरफ सिर्फ एक नॉन जीरो नंबर होना चाहिए। द नंबर 134.7 शुड बी रिटन एज 1.347 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। ये इस तरह लिखा जाए, ये पॉइंट के लेफ्ट साइड में जस्ट एक डिजिट आ रहा है। एंड 0.0023 शुड बी एक्सप्रेस एज 2.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। यानी पॉइंट के लेफ्ट साइड पर ये देखें जस्ट एक नॉन जीरो वैल्यू आनी चाहिए, ये एक आ गई है। कन्वेंशन फॉर इंडिकेटिंग यूनिट, द यूज ऑफ एसआई यूनिट रिक्वायर स्पेशल केयर, एक खास उनको देखभाल की जरूरत, मोर पार्टिकुलरली खास इन राइटिंग प्रीफिक्स प्रीफिक्स लिखने के लिए। द फॉलोइंग पॉइंट शुड बी केप्ट इन माइंड, कुछ निकात तो को लाजमी ध्यान में रखना चाहिए वाइल यूजिंग यूनिट को, इन इकाइयों को इस्तेमाल करते हुए। पहला जो है नुकता है बयान किया गया है कि फुल नेम ऑफ यूनिट डज नॉट बिगिन विद कैपिटल लेटर इफ नेम आफ्टर साइंटिस्ट, कोई भी फुल नेम है किसी यूनिट का तो वो उसका कैपिटल लेटर से उसका आगाज नहीं होगा, यानी छोटे लेटर से होगा। अगर कुछ यानी कि किस साइंसदान का नाम भी है, ये देखिए ये न्यूटन है, तो इसको पूरा नाम लिखा है तो जस्ट ये न्यूटन लिखा जाएगा, लेकिन ये छोटे अंश से लिखा जाएगा, पूरे कैपिटल से अंश लिखा नहीं जाएगा। आगे सिंबल ऑफ यूनिट आफ्टर साइंटिस्ट एज इनिशियल कैपिटल लेटर सच एज एन फॉर न्यूटन, सिंबल ऑफ यूनिट नेम कोई एक ये सिंबल है जिसका यानी कि न्यूटन साइंटिस्ट के नेम पर है तो उसका इनिशियल जो है नाम सच लेटर एन लिखा जाएगा। अगर उसको न्यूटन से जस्ट एक नाम से जाहिर करें एन से तो जस्ट कैपिटल एन आएगा, यानी कि उस फॉर न्यूटन न्यूटन के लिए कैपिटल एन आएगा, यानी छोटे फिर अल्फाबेट से इसे जाहिर नहीं करेंगे, बड़े अल्फाबेट से जाहिर करेंगे। द प्रीफिक्स शुड बी फोर द यूनिट विदाउट एनी स्पेसिस सच एज 1.1 × 10⁻³ मीटर, इनके दरमियान में इनको स्पेस नहीं देनी, स्पेस के बगैर लिखना है। इज रिटन एज 1 mm, 1 mm को यानी कि इसके दरमियान स्पेस नहीं देनी है, इसे जोड़ के लिखना है। स्टैंडर्ड प्रीफिक्स आर गिवन इन टेबल 1.4, ये 1.4 में स्टैंडर्ड प्रीफिक्स दिए हैं पावर ऑफ 10 के। The combination of base unit is written with each one space apart. For example, Newton meter is written as Newton meter. Newton meter है तो इनके दरमियान एक स्पेस लाजमी होना चाहिए, इनको स्पेस से इरादा करना चाहिए। इनके दरमियान स्पेस है। Compound prefixes are not allowed. For example, 1 μ यानी कि माइक्रो माइक्रो को मे बी रिटर्न एज 1 pf लिखना चाहिए, यानी पिको 1 pf लिखना चाहिए। इन नंबर सच है 5.0 × 10⁴ सेंटीमीटर मे बी एक्सप्रेस इन साइंटिफिक इंटरप्रिटेशन एज 5.0 × 10⁴ मीटर, यानी कि इसकी पावर कम हो जाएगी, ये सेंटीमीटर से उनको मीटर में कन्वर्ट कर दिया है, ये जैसे में ये चेंजिंग आई है या मीटर की या सेंटीमीटर की।
व्हेन ए मल्टीपल ऑफ बेस यूनिट इज राइज टू द पावर, जब बेस मल्टीपल है उसकी उसकी उसको पावर लगाई जाती है, तो द पावर अप्लाई टू द होल्ड मल्टीपल, तो जो आपस में दो मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो पूरे पर वो पावर होगी, जस्ट एक पर नहीं होगी, एंड नॉट विद द बेस यूनिट अलोन, बेस यूनिट के लिए पर नहीं होगी। अब जैसे देखा 1 किलोमीटर स्क्वायर, तो ये जस्ट मीटर के ऊपर पावर नहीं है, ये किलोमीटर, ये दोनों के ऊपर पावर है। इसको लिख सकते हैं 1.6 की पावर 10 मीटर स्क्वायर, 1 किलोमीटर स्क्वायर को लिख सकते हैं। आगे मेजरमेंट इन प्रैक्टिकल वर्क, प्रैक्टिकल वर्क में शुड बी रिकॉर्डेड इमीडिएटली इन द मोस्ट कन्वीनियंट यूनिट, इन मीन माइक्रो मीटर सेकेंडरी गेज मेजरमेंट इन मिलीमीटर एंड द मास ऑफ कैलोरी मीटर इन ग्राम, बट बिफोर द कैलकुलेशन फॉर दैट ऑल मेजरमेंट मस्ट बी कन्वर्टिंग टू अप्रोप्रिएट एसआई बेस यूनिट, इनको पहले बेस यूनिट में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। ये टेबल दिया हुआ है सम प्रीफिक्सेस का, ये 10 की पावर -18 है, ऑटो बोलते हैं, सिंबल ए है, ये इसी तरह सारे दिए हुए हैं।